तो दिस टॉपिक इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपका सीबीएसई के हिसाब से। एवरीवन म्यूट योरसेल्फ। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, इससे पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। हमने एक टॉपिक किया था जब हमने एक डायपोल के लिए इलेक्ट्रिकल फील्ड फाइंड करा था किसी इक्विटोरियल पॉइंट पर, तो कितना आया था किसी को याद है क्या? इक्विटोरियल पॉइंट पर कहां पर कितना आया था इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिकल, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड केपी अपॉन आर क्यूब आया था विवेक, बट पोटेंशियल कितना आया था? पोटेंशियल केपी बाय आर स्क्वायर, पोटेंशियल केपी बाय आर स्क्वायर। कोई और बताएगा पोटेंशियल कितना आया था? इक्विटोरियल पॉइंट पर पूछ रहा हूं मैं, इक्विटोरियल पॉइंट पर जीरो जीरो जीरो, बिल्कुल सही। और अगर मैं ये तो चलो पॉइंट यहां पर, अगर मैं इस पॉइंट को नीचे ले लूं, है इक्विटोरियल लाइन ही मान लो क्यू पॉइंट है, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होगा, जीरो या कुछ और हो जाएगा? जीरो रहेगा, जीरो रहेगा। कहीं पर भी आप देख लो, जो वो लाइन होगी ना पूरी, उस पर आपका इक्विपोटेंशियल, उस पर जो आपका पोटेंशियल होगा इट विल बी जीरो ओनली, ठीक है। अब अगर मैं वी पी माइनस वी क्यू करता हूं, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस निकालता हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो आएगा। और आप एक चीज देखो, मैं यहां पर कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लूं, तो पोटेंशियल क्या मैं कह सकता हूं पोटेंशियल मेरा सेम मिलेगा? सर कैन यू रिपीट? यस, आई वाज सेइंग दैट इफ यू आर टेकिंग एनी पॉइंट ऑन द इक्विटोरियल लाइन ऑफ अ डाइपोल, सो द पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम। अगर किसी भी पॉइंट पर आप पोटेंशियल देख रहे हो, तो पोटेंशियल आपका सेम मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, मैं क्यों पोटेंशियल सरफेस बाद में पढ़ाऊंगा, बस मैं कुछ केसेस आपको समझा रहा हूं। मान लो आपका एक सेंटर पे यहां पर चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, तो इससे अगर मैं आर डिस्टेंस पर जा रहा हूं, आर डिस्टेंस पर जा रहा हूं मैं इस तरफ हर हर डायरेक्शन में, अगर मैं आर डिस्टेंस पर जाऊं और इन सब पॉइंट को मैं जोड़ दूं, तो आप मुझे बताओ कि किस तरह का सरफेस आपको मिलेगा अगर मैं इन सबको पॉइंट को जोड़ रहा हूं, तो आर दूरी पर हूं मैं, कैसा रहेगा? सर्कुलर, बिल्कुल सही। हाँ, थ्री डायमेंशन में रहेगा वो स्फेरियर, वेरी गुड बेटा, और टू डायमेंशन में रहेगा सर्कल, बट एक्चुअल में वो स्फेरिकल है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि अगर मैं इस पर कोई भी पॉइंट ले लूं, तो सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा क्या? यस सर, सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा, बिल्कुल सही। इसके अलावा एक और केस हमने पढ़ा था, अगर मैं इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरह से ले जा रहा हूँ, तो कहीं पर भी अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन में, इस स्ट्रेट लाइन में कोई भी पॉइंट देख रहा हूँ, तो सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम मिलेगा ना, स्ट्रेट लाइन में है इसे। Yes, हमने उस क्वेश्चन में भी करा था, ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पर सेम मिलेगा। अब समझते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है। तो देखो, इस तरह के जो सरफेस है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ड्रॉ करा ये वाला सरफेस, जैसे कि मैं यहाँ पर इसको जब मैं टू डायमेंशन में देखूंगा और थ्री डायमेंशन में देखूंगा, तो ये जो सरफेस मिलेगा और जो मैं यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर जो सरफेस मिलेगा, ऐसे सरफेसेस को जिन पर किन्हीं दो पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो सेम रहे, ठीक है, ऐसे सरफेसेस को बोला जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। आई एम रिपीटिंग, ऐसे सरफेस जिन पर पोटेंशियल सेम रहे किसी भी पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर, तो जो पोटेंशियल अगर सेम है तो मैं उसको कहूंगा इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। और ये आप उसके कुछ एग्जांपल देख पा रहे हो, जो इक्विटोरियल लाइन है, जैसे अगर मैं इसको मान लो इक्विटोरियल लाइन बोल रहा हूँ, तो ये आपको इक्विटोरियल लाइन दिख रही है, लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से देख रहा हूँ, तो ये सरफेस दिखेगा ना, तो जो एक इक्विटोरियल लाइन से लाइन जा रही है, तो वहां पर जो सरफेस बन रहा है वो कैसा होगा, वो एक इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन मान लो इस तरह से जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसके परपेंडिकुलर जो सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और कहीं पर अगर पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, तो उसके सराउंड में जो ये सरफेस आपको मिल रहा है, ये सरफेस भी कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो चीज क्लियर है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या है और कैसे होते हैं, कोई डाउट? यस सर, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, आई एम अगेन रिपीटिंग, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे सरफेस होते हैं जहां पर पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर सेम रहे, पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर क्या रहे, सेम।
और अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बोलूं तो कितना होना चाहिए पोटेंशियल डिफरेंस? अगर मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये कह रहा हूं कि किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? जीरो। बिल्कुल सही, जीरो। तो ऐसे सरफेस दो 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 वे में मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं। इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होंगे जिस पर पोटेंशियल सेम रहे या जिन पर किन्हीं दो आर्बिट्री पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जीरो आ जाए। सो आई होप कि अब सबको क्लियर होगा विद एग्जांपल कि रियल लाइफ में कहां कहां इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें मिल सकते हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब इसको थ्योरेटिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने आपको बताया, अ सरफेस एट विच ऑफ ऑल द पॉइंट एट एवरी पॉइंट द पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम इज कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो जो सरफेस होगा वो कैसा होगा। तो आप कह सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो सरफेस आपको मिलेगा वो इक्विपोटेंशियल सरफेस रहेगा। ये पोटेंशियल सरफेस है, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अच्छा, एक चीज देखना है यहाँ पर, अगर मैं इन पर ये पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ तो सभी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम रहेगा। इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा रहेगा? सेम। लेकिन अगर मैं यहाँ पर पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ और मैं इसका और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कंपेयर करता हूं तो सेम रहेगा या डिफरेंस रहेगा अलग अलग सरफेस पर? डिफरेंट रहेगा। बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। और कोई मुझे बता सकता है किस पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर पोटेंशियल? इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाते हैं। अगर आप ये सोच के बता रहे हो तो बिल्कुल सही बता रहे हो। तो यस, ए पॉइंट पर ज्यादा होगा, बी पॉइंट पर कम रहेगा। लेकिन अगर मैं एक ही सरफेस देख रहा हूं तो इस पर एक ही पोटेंशियल सरफेस रहेगा, ये तो पोटेंशियल इस पर सभी पॉइंट पर बराबर रहेगा। सो ये चीजें क्लियर है। अब आगे चलते हैं। आप देख भी सकते हो V1, V2, V3 भले ही अलग हो, ठीक है, तीनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा बट एक ही सरफेस पर पोटेंशियल रहेगा सेम। अब अगर एक आइसोलेटेड चार्ज है, मतलब जैसे मैंने आपको लेके देखा था एक पॉइंट चार्ज में ले रहा हूं, पॉइंट चार्ज लिया, इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन बाहर आएंगी, ये हो गया इसका की पोटेंशियल सरफेस। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो आपको अलग अलग डिस्टेंस पर अलग अलग की पोटेंशियल सरफेस मिलते जाएंगे। क्लियर है? एक चीज और नोटिस करो आप सब, अगर मैं इन दोनों के बीच का गैप देख रहा हूं और मैं इन दोनों के बीच का गैप देख रहा हूं, फिर मैं इन दोनों के बीच का गैप देख रहा हूं और इन दोनों के बीच का गैप दिख रहा हूं, तो ये गैप सेम है, वो गैप इंक्रीज होता जा रहा है दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का गैप? सेम है, चेंज होता जा रहा है? चेंज हो रहा है बेटा, बिल्कुल सही। देखो इनके बीच में थोड़ा कम डिस्टेंस है और इनके बीच में थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में जो गैप होता है वो चेंज होता रहता है जैसे जैसे आप चार्ज से दूर जाओगे। इसका रीजन मैं आगे समझाऊंगा प्रॉपर्टी में, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या डायग्राम आप इसको बना लीजिए, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ये था आपका। हाँ बोलो सर। E is equal to dV by dr होता है ना? यस बेटा। तो उसका मतलब होगा कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे घट जाएगा वो? हाँ बिल्कुल, आप एक्चुअली में ऐसे कह सकते हो। dr मैं आगे पढ़ा था इसको। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कम होती जा रही है, आप चार्ज से अगर दूर जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगी ना? हाँ। dr इंक्रीज करेगा। और dr क्या कह सकता हूँ मैं, दो सरफेस के बीच का सेपरेशन, dr दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन, तो वो इंक्रीज करता जाएगा जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिकल फील्ड को यहाँ पर कम करते जा रहे हो, तो सरफेस का डिस्टेंस ये इंक्रीज होता जाएगा। तो इसी से हम एक्सप्लेन करेंगे भी आगे। सो दिस वाज द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यू। दो चीजों के लिए हमने देखा यहाँ पर। कोई और डाउट? कैन वी मूव फर्दर? सर नोट डाउन कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, आप लिख लीजिए मुझे बता देना। अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगी तो सरफेस के बीच में, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में सेपरेशन कम रहेगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, ये मैंने आपको दिखा दिया इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखो अगर आपके पास कुछ इस तरह के चार्जेस हैं जो कि अपोजिट नेचर के, जैसे कि डाइपोल, अगर मान लो
क्वेश्चन आ जाता है कि डायपोल के लिए डायग्राम प्लॉट करो, तो ये एनसीईआरटी का ग्राफ है, सॉरी ग्राफ नहीं, एनसीईआरटी के डायग्राम है। तो यहाँ पर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है, तो आपको इनके लिए ग्राफ, आपको इनके लिए डायग्राम प्लॉट करना है। तो देखो सम इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल, तो डायपोल के लिए तो ये हो गया, और अगर आइडेंटिकल चार्ज है, आइडेंटिकल चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव में और पॉजिटिव पॉजिटिव में जो ग्राफ डायग्राम होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है, तो इसके भी आपको बनाना है। अब इसमें एक चीज देख लेते हैं, क्या मैंने बोला कि इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कहीं पर ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर कहीं पर मैक्सिमम है या ज्यादा है, मैक्सिमम तो नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड अगर ज्यादा है तो जो सेपरेशन होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में वो काफी कम होगा, ठीक है, काफी कम होगा। अब देखो अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रखा हुआ है, नेगेटिव और पॉजिटिव, अगर मैं मिड पॉइंट पर यहाँ पर बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर होगी, नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड किधर होगी, पॉजिटिव की बाहर, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे बाहर की तरफ और नेगेटिव की यहाँ पर अंदर की तरफ ही होगी, तो यहाँ पर बीच में भी आपको कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिकल फील्ड आपको मिलेगी, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं तो इसके इधर और इसके इधर, तो बीच में आपको एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा, तभी आप देखो यहाँ पर एक न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा इस पॉइंट पर, जहां पर कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड जीरो मिलेगी। अच्छा, इस रीजन में कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ना हो, तो बस ये आपको बता रहा है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे वो पास पास में होंगे, अगर अगर आप चार्ज के पास में हो तो, ठीक है, जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो सेपरेशन इंक्रीज करता जाएगा, सेपरेशन इंक्रीज करेगा कहां पर, जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड कम होगी, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा तो सेपरेशन कम, ठीक है। अच्छा, आप एक चीज देखो, यहां पर सरफेस पे ज्यादा सेपरेशन है, इस साइड सरफेस में कम सेपरेशन है, इसका रीजन बताऊं क्यों, कोई बताएगा, इस तरफ सेपरेशन कम है, इस तरफ सेपरेशन थोड़ा ज्यादा है, सरफेस के बीच में इस तरफ कम है, इस तरफ सेपरेशन ज्यादा है, इसका रीजन अट्रैक्शन हो रहा है ना, तो वो सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस तरफ पुश हो जाएंगे। एक्चुअली में आप इसमें यही कांसेप्ट यूज कर सकते हो, आदर्श, जहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड ज्यादा होगी तो सेपरेशन कम होगा एंड वाइस वर्सा, है ना। तो अगर मैं यहां पर देखो तो नेगेटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फील्ड कहां जाएगी, नेगेटिव की इनटू द चार्ज इस पॉइंट पर, तो ये इधर जाएगी, पॉजिटिव की बाहर की तरफ जाएगी, तो आप देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो अपोजिट में आ रहा है तो डिफरेंस लेंगे तो कमी तो हो जाएगी दोनों के कंपेरिजन में, तो इसलिए वहां पर इलेक्ट्रिकल फील्ड आपकी कम है तो सेपरेशन ज्यादा, तो इस तरह से आप दिखा सकते हो। तो ये आपको दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है, मतलब सरफेस आपको एटलीस्ट बनाना आना चाहिए, रीजन तो नहीं पूछेंगे बट हाँ, क्वेश्चन इसमें एक नंबर का आता है, ड्रॉ द डायग्राम या स्ट्रक्चर फॉर द इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ डायपोल और फॉर टू आइडेंटिकल चार्ज और फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड और फॉर आइसोलेटेड चार्ज, चारों में से कोई सा भी पूछा जा सकता है। एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ सबको, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है यहाँ पर, तो जो ये सरफेस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड के, ये इनके बीच का सेम डिस्टेंस ही तो रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। अब ये देखो, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड है, यूनिफॉर्म मतलब सेम, तो जो दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच का सेपरेशन है ये कैसा रहेगा, ये भी सेम रहेगा। लेकिन अभी हम हालांकि इसके क्वेश्चन डिस्कस भी करेंगे बट मैं पहले टॉपिक में बता देता हूं ताकि क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाए। लेकिन अगर कहीं पर इलेक्ट्रिकल फील्ड मान लो नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, ऐसे है, पहले तो दूर दूर रहे थे, यहाँ पर पास पास आ रही है, तो सेपरेशन जो होगा ना इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो चेंज होता जाएगा, ठीक है, वो हम आपको क्वेश्चन में दिखाएंगे। तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस आपके लिए। इन आवर नेक्स्ट क्लास, मतलब जो अभी आप फिर से ज्वाइन करो